डुअल पर्पज डीआरएल लाइट रहने वाली है, इंडिकेटर डीआरएल दोनों पर ही अपना वर्क करती है, क्योंकि फॉग लाइट इस मॉडल के अंदर नहीं आती है। फॉग लैंप का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है, रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, आगे की दो पावर विंडोज मिलती है, टाटा जेनवन रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। कवर जो है वो अपने रहने वाले हैं फुल बकेट ब्लैक और अपना व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक करें। सीरी माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं टाटा जेनवन। टच रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप टच रिस्पॉन्स जो है वो चेक कर सकते हैं, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं। हाँ, सारी चीज़ें। गाड़ी का सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। हाँ, गाड़ी का सारा फिट फिनिश की अगर हम बात करेंगे, काम कैसा लगा आपको? काम बढ़िया, कहीं कुछ कमी आपने फील करी? कमी कोई। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेक्रोम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अगेन अपने सामने खड़ी है चार चार टाटा की पंच, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एक व्हाइट कलर में रहेगी, एक है अपने पास ग्रे कलर में, और दो अपने पास यहां पे आप चेक कर सकते हैं, एक व्हाइट और एक ग्रे कलर में रहने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की, जो कि अपना बेस मॉडल प्योर रहने वाला है, और गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा काम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे गाड़ी का काम ऑन प्रोसेस है, सारी सीटें वगैरह निकली हुई हैं, सीट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग का काम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा स्टीरियो नहीं आता है, स्टीरियो का जो अपडेट है वहाँ पे स्टार्ट अपना है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हाइपरसोनिक का GT9 सीरीज का जो अपना स्टीरियो है वो लगाया जा रहा है, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कापले को सपोर्ट करेगा। स्पीकर वगैरह जो है गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, स्पीकर लगाए गए हैं अपने पायनियर के। फ्रंट डोर के अंदर आप देखोगे तो क्वेश्चन स्पीकर लगाए गए हैं, और रियर डोर के अंदर भी क्वेश्चन स्पीकर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। ड्यूटी फ्री की सेंटर लॉकिंग जो है वो रहने वाली इस वाली कार के अंदर, जो कि अपना बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा बात करें अदर एक्सेसरीज की, तो यहाँ पे आप देखोगे रूफ रेल लग चुकी है, डोर वाइजर का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है, और ग्लॉसी किट का काम भी अपना यहाँ पे रहने वाला है। कार के अंदर आप देखोगे सेंटर लॉकिंग के लिए चाबी का जो है वो अपना काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, की 1 बनना बाकी है। इसके अलावा यहाँ पे पंच की वेलकम प्लेट जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, सीट का काम अपना स्टार्ट हो चुका है, स्टीरियो जो है वो लग चुका है, अभी स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा, बाकी स्टेयरिंग रैप जो है वो भी रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। आगे की दो पावर विंडोज आती हैं इस वाली कार के अंदर, तो रियर पावर विंडोज टाटा जेनवन वाली वो भी इस वाली कार के अंदर रहने वाली है, जिसका इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पे कपलर बनाकर किया जाएगा। गाड़ी का कपलर रेडी है, अभी इसको जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा प्रॉपर करके। पीछे की तरफ शार्क पिन टाइप रेडियो एंटीना लग चुका है, स्पॉइलर लगना अभी बाकी है, कैमरा जो है वो आप चेक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। इसके अलावा व्हील कवर जो है वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे। फ्रंट में दिखाता हूँ आपको फ्रंट में क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे हॉर्न का जो अपडेट है वो रहने वाला है, मिंडा की जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही है, LED बल्ब के साथ रहेगी, तो ये अपनी फॉग लाइट आप चेक कर सकते हैं, और LED को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया गया है रिले वायरिंग के साथ में, तो प्रॉपर अपना जो है काम यहाँ पे इसका कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो अपना हेडलाइट के ऊपर भी कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरीके के अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। तो फाइनली दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी का फ्रंट लुक आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। अब क्या कुछ अपडेट किए गए हैं उसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे अपनी जो फॉग लाइट है स्प्रिट में नहीं आती है, तो मिंडा की जो फॉग लाइट है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो किया जा चुका है, प्रॉपर रिले वायरिंग के साथ जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। कॉस्टिंग की बात करेंगे 1200 की फॉग लाइट और 800 की रिले वायरिंग के साथ 2000 रुपये का कंप्लीट सेटअप जो है अपना रहने वाला है। हेडलाइट में कोई अपडेट नहीं है, इसके अलावा हेडलाइट पर आप चेक करोगे यहाँ पे ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लॉसी किट जो है कंप्लीटली इस वाली कार में इंस्टॉल करी गई है, जो कि रहने वाली है अपना 12 पीस की। 2 पीस हेडलाइट की बात कर चुके हैं, 2 पीस अपने आउटसाइड मिरर के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 4 पीस आपको हैंडल से मिल जाएंगे, एक यहाँ पर और एक अपना बाउल कवर वाला। 2 पीस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, और टेल लाइट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 12 पीस की किट आती है, जो कि कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज की। इसके अलावा बात करेंगे व्हील कवर की, तो व्हील कवर जो है डुअल टोन के फिनिश के साथ यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाले हैं। सेंटर में टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 1000 रुपये की। बाकी डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं, पंच की प्रॉपर बैचिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। कार्बन फाइबर फिनिश के साथ जो है कंप्लीट अपना रहने वाला है, कॉस्टिंग आती है अपनी 500 रुपीज की। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, रूफ रेल जो है फुली पियानो ब्लैक रहने वाली है, उसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 1500 रुपये की। पेस्टिंग करके इसको चिपका दिया गया है, आप गाड़ी चेक कर सकते हो, लेकिन अपनी जो रूफ रेल है वो हिलेगी नहीं। इसके अलावा डोर्स पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपने डोर एज गार्ड जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। चलते हैं कार के रियर पार्ट पे और आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ इंस्टॉल किया गया है। सबसे पहले आप चेक करोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको शार्क पिन टाइप रेडियो एंटीना देखने को मिल जाएगा, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ लगाया गया है। इसके अलावा स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 1500 रुपीज़ की। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन किया गया है, आप चेक कर सकते हो किस तरीके का इसका ओवरऑल लुक रहने वाला है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे रियर व्यू कैमरा है, इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाने वाली है। तो ये सब अपडेट जो है वो रहेंगे इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल। बाकी दोस्तों बारी आती है कार के इंटीरियर की, कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पे इस वाली कार में सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की दो पावर विंडोज मिलती है, टाटा जेनवन रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। यहाँ पे आप चेक करोगे विंडो डाउन हो रही है, विंडो अप हो रही है, प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा।
ड्राइवर साइड से आप चारों विंडोज को ऑपरेट कर सकते हैं और रियर में भी आपको प्रॉपर स्विच जो है वो देखने को मिल जाएगा। टाटा जेन्युइन स्विच के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। स्पीकर मैंने आपको डे टाइम में दिखा दिए थे, स्पीकर कौन से लगाए गए थे। इसके अलावा पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ वेलकम प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि चारों दरवाजों में रहने वाली है। फ्लोरिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं रहेगा इस वाली कार में। 2000 रुपये की फ्लोरिंग आप करा सकते हो। बाकी उसके ऊपर यहाँ पे आप चेक करोगे तो एलन क्वालिटी के जो मैट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं जिसको आप लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम सीट कवर्स की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक करोगे सीट कवर जो है वो अपने रहने वाले हैं फुल बकेट ब्लैक और अपना व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर चेक करें। व्हाइट कलर की जो पाइपिंग है वो यहाँ पर यूज़ करी गई है और थाई सपोर्ट वाला जो पार्ट है और थाई सपोर्ट वाला पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बर्फी डिजाइनर प्रॉपर रहने वाला है। सीट कवर की 3 रेंज अवेलेबल है, एक आती है अपनी 3500 की, एक आती है 5500 की, एक आती है 6500 रुपये की। डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कौन सा सीट कवर आप चूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम जो है वो किया गया है। डुअल टोन स्टीयरिंग रैप रहने वाला है ब्लैक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। जिस तरीके का डैशबोर्ड लेआउट है उस तरीके का आपको स्टीयरिंग रैप देखने को मिल जाएगा। कॉस्टिंग आती है इसकी अपनी 800 रुपीज़ की। इसके अलावा बात करेंगे सीरीज माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि रहने वाले हैं टाटा जेन्युइन। यहाँ पे आप चेक करोगे वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम अपनी जो है वो प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा, बीटी वगैरह के सारे बटन्स काम करने वाले हैं यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और कंप्लीट जो पैनल रहेगा वो अपना रहने वाला है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में। बात करेंगे स्टीरियो की, तो GT9 सीरीज का जो स्टीरियो है इस वाली कार में इंस्टॉल किया गया है जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। टच रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप टच रिस्पॉन्स जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरा दिखाया, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। AHD विजन कैमरा जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जिसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। तो कैमरा वारंटी के साथ ही स्टीरियो भी वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है, सबसे पहले आप चेक करोगे क्रोम ब्राउजर प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब है, जेडलिंग के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब है और यहाँ पर नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाने वाला है। बाकी दोस्तों बात करेंगे सेंटर लॉकिंग की, तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है। ड्यूटी फ्री की सेंटर लॉकिंग जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सरकी का फिलिप की का जो फंक्शन है वो आपको मिल जाने वाला है। 3 बटन आते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से गाड़ी को म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी के साथ कंप्लीट सेटअप जो है अपना रहने वाला है। तो ये सारा काम जो है वो हुआ है इस वाली कार के अंदर। तो मिलते हैं कार के ओनर से और जानते सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नाम बताइए अपना। राजेश कुमार सर। राजेश कुमार, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? इंदिरापुरम गाजियाबाद। गाजियाबाद से आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ के बारे में पता कैसे चला आपको? यूट्यूब से वीडियो देख के। तो यहाँ के बारे में आपको ऑनलाइन पता चला है? जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए सब चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं। मिल गई। बात करें फिट फिनिश वगैरह की, गाड़ी काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सारा काम जो है वो परफेक्टली अपना हो चुका है। और आपने जैसे पहले बताया हमें कि पहले भी हम लोग आए थे पुराने वाले दुकान शॉप पे, वहाँ काम कराए, जब काम देख के हम लोग दोबारा आ गए। ठीक है, कितने टाइम पहले आप यहाँ पे आए? दो साल पहले। तो अभी के काम की बात करें तो काम के अंदर कहीं कुछ कमी वगैरह? कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया काम है। लड़के वगैरह जो गाड़ी के अंदर काम करते बहुत बढ़िया काम है, स्टाफ भी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। सारे काम को अगर आपको नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 देंगे भाई, पूरे नंबर जो है वो अपना रहने वाले हैं। कल को तिवारा रिकमेंड करने का मौका मिले तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? रिकमेंडेशन वगैरह मिलने वाला है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप यहाँ तक आए उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अपनी दूसरी वाली ग्रे वाली गाड़ी का काम जो है अभी ऑन प्रोसेस में है। उससे पहले अपनी ये वाली गाड़ी जो है ये तैयार हो चुकी है, ये अपना एडवेंचर वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। सबसे पहले आप फ्रंट पोर्शन से देखोगे यहाँ पे क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। DRL लाइट जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे करी गई है। डुअल पर्पज DRL लाइट रहने वाली है। इंडिकेटर DRL दोनों पर ही अपना वर्क करती है। कॉस्टिंग की बात करेंगे 800 रुपीज़ की कॉस्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट में जो है वो 2800 रुपये की कॉस्टिंग के साथ 120 वॉट की हेडलाइट LED का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है जिसकी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आप देखोगे फॉग लाइट इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, फॉग लैंप का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है। और मिंडा की फॉग लाइट है, मिंडा की रिले वायरिंग के साथ यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें 1200 की फॉग लाइट और 800 की रिले वायरिंग, टोटल सेटअप जो है अपना 2000 रुपये का आपको बनता है। तो कंप्लीट जो सेटअप है वो अपना LED बेस सामने से हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है जो कि आप हेडलाइट वाले पार्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। 3 पीस जो है वो लगे हैं इस साइड में और 3 पीस उस साइड में, यानी कि हेडलाइट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपना यहाँ पे टेलाइट वाला पार्ट जो है वो हो जाता है। प्रॉपर ग्लॉसी किट नहीं लगी है 12 पीस वाली, ओनली जो है हेडलाइट और टेलाइट वाला पार्ट जो है वो इस वाली कार में हमने इंस्टॉल किया है। रूफ पे आप देखोगे यहाँ पे रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। 1500 रुपये की कॉस्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है। बाकी पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको यहाँ पर डोर वाइजर देखने को मिल जाने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्बन फाइबर फिनिश के साथ रहेंगे। इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 500 रुपीज़ की। बाकी ये डोर गार्ड वगैरह जो है भैया कंपनी से लगवा कर लेकर आए हुए थे, उसमें हमारा कोई अपडेट नहीं है। साइड में आप देखोगे साइड में क्लैडिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई है जो कि इस तरीके के लुक के साथ आपको देखने को मिल जाने वाली है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
इस कार में कार के ओनर ने जो है जीटी किट का इंस्टॉलेशन करवाया है, लेकिन उन्होंने फ्रंट वाला पार्ट जो है वो नहीं लगवाया है। जीटी किट जो है अपनी नॉर्मल वाली लगाई गई है, जिसमें आप साइड वाला पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी रियर से बात करेंगे कि रियर में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप चेक करेंगे रियर में, आपको यहाँ पे कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाने वाली है। कैमरा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, कैसा आउटपुट आता है वो इंटरव्यू में चलेंगे आपको दिखा देंगे। बाकी आप रियर का डिफ्यूजर वाला पार्ट जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। ये अपनी ग्रेक लगी गाड़ी है तो ग्रेक लगा जो इंसर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और लोअर पार्ट पे आप सिल्वर इंसर्ट जो है वो यहाँ पर स्किड प्लेट वाला पार्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब काम जो है वो रहेगा कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल से। मूव करते हैं कार के इंटीरियर में। तो गाइज आ चुके हैं कार के इंटीरियर में और यहाँ पर क्या कुछ अपडेट किया गया है। सबसे पहले आप चेक करोगे एक प्रीमियम क्वालिटी का जो सीट कवर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सीट कवर में रेंज आती है 3500, 5500 और 6500, और ये सबसे टॉप नोच क्वालिटी का सीट कवर 6500 वाला सीट कवर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। इसकी खासियत रहने वाली, जैसे कि मेरे हाथ में अभी चाबी है, मैं चाबी को जो है इस पे इस तरीके से जो इसका शार्प वाला एरिया है इससे कट करूंगा, बट आपको कोई भी निशान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का सीट कवर जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे किया गया है, जिसमें सेंटर वाले पार्ट पे आपको यहाँ पे परफोरेशन देखने को मिल जाने वाली है। डिज़ाइन के ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, वीडियोज़ में आप देखते हुए आए हैं, जौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए अपनी कार के लिए आप उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसी के साथ फ्लोर पर आप देखोगे फ्लोर पर फ्लोरिंग जो है वो करी गई है, जो कि रहने वाली है अपनी डाई फ्लोरिंग। इसी के साथ फ्लोर पे फ्लोरिंग का काम जो है वो किया गया है, डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। क्रोकोडाइल फ्लोरिंग है जो कि 2000 रुपये की कॉस्टिंग के साथ आती है, और उसके ऊपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी मैट की, तो मैट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं ग्रास वाले। बाकी स्टीयरिंग व्हील को आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम जो है वो किया गया है, डुअल टोन मून डिजाइन के साथ स्टीयरिंग रैप जो है वो किया गया है। अब बात करते हैं स्टीरियो की। दोस्तों बात करें अगर हम स्टीरियो की, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 9 इंच की स्क्रीन के साथ प्रॉपर ग्लॉसी ब्रेक फ्रेम के साथ जो स्टीरियो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और ये जो है अपना रहने वाला है एडवेंचर वेरिएंट, तो इसमें कैनवास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैनवास के साथ जो स्टीरियो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आप ये टच रिस्पांस वगैरह की बात करेंगे तो इस तरीके का रिस्पांस रहने वाला है। इसमें आप चेक करोगे कई सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, लाइक क्रोम ब्राउजर, मैप आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर दिया गया है, इस तरीके से यूट्यूब है, बाकी जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को भी कनेक्ट कर सकते हैं। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का रिस्पांस कैसा कुछ रहने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर सामने चेकआउट कर सकते हैं। आउटपुट आपको काफ़ी क्लियर जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो दोस्तों ये सब एक्सेसरीज जो है वो लगाई गई है इस वाली कार के अंदर। अब मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक। तो मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर कैसा कुछ फीडबैक आता है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर सर नाम बताइए अपना। मिराज है। और भाई आपका नाम? सुरेंद्र। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब से वीडियोज वगैरह देख करके आपका यहाँ पर आना हुआ है। तो आपका एडवेंचर वेरियंट था? हाँ, एडवेंचर। जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? हाँ, सारी चीज़ें मिल गई। गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है? हाँ, गाड़ी का सारा। फिट फिनिश की अगर हम बात करेंगे, काम कैसा लगा आपको? काम बढ़िया था। कहीं कुछ कमी आपने फील करी? कमी कोई नहीं। आप यूट्यूब वीडियो देख करके आए हैं, जो चीज़ आप सोच करके यहाँ पर आए हैं वैसा सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिली है? ऐसा नहीं हम दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है। भाई आपका कैसा फीडबैक रहा? कहीं कुछ कमी आपने लगी? अगर सारे काम को नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? और आपकी तरफ सर? 9 ही ले ले। 9 नंबर? एक नंबर आपने काट लिया, कोई खास वजह? नहीं, बस वैसे मैट मेरे लेट आए थे। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैट मेरे लेट आए थे। मतलब हल्का सा नंबर कटा है, एक नंबर वो भी लेट के लिए कटा है। मैट लेट आ गए थे आपके, उन्होंने काफी वेट करवा दिया। मतलब अभी मिल तो गए ना? अभी तो मिल गए। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। कल को किसी को रिकमेंड करने का मौका मिलता है तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? रिकमेंडेशन वगैरह मिलने वाला है, ठीक है सर। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप भी जो है कार परचेज करके यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब साइड बाय साइड रिकमेंडेशन भी हो गया, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ओके।